अमजद साहब ये बताइए कि ममता बनर्जी की सरकार ने ट्रैफिक जो नया रूल्स लाया है जिसमें फाइन को बढ़ा के 1,000 से 10,000 तक ले गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जावेद भाई देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं जनाब फरहाद हकीम साहब, इनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा है। ये मेयर भी हैं, काउंसलर भी हैं और अर्बन डेवलपमेंट मंत्री भी हैं और ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं। एक आदमी से कितना काम लीजिएगा वो काम ही अधूरा रहता है। एक आदमी लोड बर्दाश्त करने का हर इंसान की एक कैपेसिटी है। तो पहली भूल है ममता बनर्जी गवर्नमेंट की कि एक आदमी पर इतना बोझ मत दीजिए, मंत्रालय किसी और को दीजिए ताकि वो पूरी तरह से टाइम दे सकें। अब रह गई सवाल के जो फाइन का जो रेट बढ़ाया गया, ये बहुत ज़्यादा, दिस इज़ टू मच। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है और कोरोना काल में जब लोगों के पास पॉकेट खाली है पिछले 2-2.5 सालों से, तो इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। ये पहली सवाल है। और उसको आप 100 रुपया का पेनल्टी को 1,000 कर दिया विदाउट हेलमेट वाले को, जिनका 500 था उसको 1,000 कर दिया, 1,000 को 5,000 किया, 5,000 को 10,000 किया। पहले उसके स्लैब को टेस्ट करना चाहिए। और आप कह रही हैं कि सर्टिफिकेट, विदाउट सर्टिफिकेट गाड़ी चल रही है। अभी 3 दिन पहले ड्रोना क्रॉसिंग पे एक मिनी बस उलट गया, तो कह रही है कि कहा जा रहा गवर्नमेंट बोले कि इसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। तो इतने दिनों बाद कहाँ थी, क्यों चल रहा था, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, यानी घूस खा करके चलने दिया जा रहा था। जब कोई फंसता है, किसी बिल्डिंग में आग लगती है, तो कहा जाता है कि इसका लिफ्ट बंद था, इसका सीसी क्लियर नहीं था, इसका सर्टिफिकेट लाइसेंस नहीं, मतलब तमाम तरह के लोग आवाम पर डाल देती है गवर्नमेंट, जो कि गलत है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जितनी बातें हैं, रास्ता की सफाई, बिल्डिंग की सफाई या ट्रैफिक की, ट्रैफिक क्यों नहीं, एक्सीडेंट क्यों नहीं होगा, रास्ता में मरम्मत नहीं है। आप ब्रिज को देखिए, ब्रिज टूटा हुआ है, बंद तो किया ब्रिज लेकिन उसमें मेंटेनेंस, रंग पोचाड़ा, गंदगी, उसमें सफाई नहीं है। आए दिन गाड़ी तेजी से जाती है, ब्रेक लगाती है, उलटती है, मरती है, इस पर कौन देखेगा? आपका पैसा नहीं है, आपने बढ़ा दिया इतना, आप मंत्रालय प्लीज़ किसी और MLA को, आपको जिसको लगे उसको दीजिए, ताकि बोझ कम कीजिए फरहाद हकीम साहब का, ईमानदारी से काम होगा। नहीं, ये ममता बनर्जी के इदारे पर हुआ है, ममता बनर्जी जान नहीं बढ़ाया गया। अगर ममता बनर्जी का कंसर्न नहीं होता तो फौरन कहती ममता बनर्जी मुख्यमंत्री गणेश जी ये ज़्यादा है, कम करो। लेकिन उनकी मर्जी से हो रहा है और उनकी मर्जी से गलती हो रहा है। आज BJP बंगाल में जो सर उभारा है, ये दीदी का कमाल है कि आज तकरीबन हर जिला में RSS का ऑफिस खुला है। बढ़ाने से फिराद है कि क्या लेना देना, ये मुख्यमंत्री का मामला है, मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ है, मुख्यमंत्री के इशारे पे हुआ है। आप तो डिमांड कर रहे हैं कि उनका बोझ कम किया जाए। हाँ, कम कौन करेगी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री कम करेगी ना, हम तो नहीं कह रहे कि छोड़ दीजिए। कम करने से क्या पैसे, बिल्कुल, जो नया मंत्री होगा, जो नया फीस पड़ा है वो क्या वापस हो जाएगा? नहीं, वो स्टडी करेंगे, कहीं भूल तो नहीं है। मेरे रूल में आप 1,000 को 100 रुपये को 200 रुपये किए होते हैं, जम कर दिया एक ही बार 1,000 रुपये पेनल्टी। ये तो सीधी बात है ना कि आप डिमांड करिए कि जो 100 था उसको 200 कर सकते हैं, 10,000 नहीं कर सकते, लेकिन आप तो बार बार। मैं जो कह रहा हूँ कि कौन आदमी ईमानदारी से काम करेगा जिसके पास वक्त होगा।